Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. So today we have a very busy day. Our daddy and mom visit जा रहे हैं. 10 बज रहा है एक्चुअली. डैडी बोल रहे थे 6 बज रहा होता तो अच्छा लगता, बट मेरे लिए 10 भी बहुत जल्दी है और डैडी को 6 बजे उठाना है. तो अभी हम जिम जा रहे हैं. कब से जगा रहा हूँ इस लड़की को, उठी नहीं रही थी. उठ गई ना? अभी देखना नीचे तुम्हारा ट्रेनर खड़ा है. मैडम आज भी आप लेट देकर 10 मिनट लेट. लेट तो लेट होता ना मेरे. जाइए दौड़िए. ये देखो हो गया आप लोगों का जिम. पूरे जिम में सिर्फ आंटी की आवाज आती है. पूरे जिम में सबसे ज्यादा मेहनत मैं करती हूँ. हैवी वाला हम लोगों का जिम हो गया है. अभी 11:15 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं. मैं जाके नाश्ता करूंगी और फिर मैं तैयार होंगी और हाँ नेल पेंट रिमूव करके लगानी है. और अपने कमेंट्स में बताइए कि ये बिल्कुल भी खा के नहीं आती, कम से कम एक एप्पल खा के आया करे. मुझे भूख भी लगती है. जितने कमेंट्स आएंगे उतना अच्छा होगा, ताकि थोड़ा सा ये हो कि हाँ फैंस भी चाहते हैं कि ये एप्पल खा के जाया करे, खाली पेट नहीं जाए. पर मैं कुछ भी खा के जाती हूँ ना तो फिर मुझे नहीं बेटा, एक घंटा पहले खाने का, एक घंटा पहले. तो उसके लिए मैं 8:30 बजे उठूँ? मतलब एक अलार्म लगा दो, एप्पल खाना है. नहीं हो पाएगा. अरे अरे एक अलार्म लगा दो, एक एप्पल खाना है 8:30 बजे. उठो खाओ फिर लेट जाओ, नहीं तो तुम्हारा जिम का टाइम थोड़ा सा और पीछे चला जाएगा 8:30 बजे तक. मैं 11 बजे करने का सोच रही हूँ और ये 8:30 करना था. मतलब 11 तो नहीं होगा. सो गाइज आई एम ऑल सेट ऑल रेडी. हमारी मीटिंग जो थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो पहले 12:30 थी और अब वो डीले होते 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 अब हो गए हैं 2:05 और अभी भी मैं और डैडी तैयार हैं जाने के लिए. बस हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे एंड आई एम सो एक्साइटेड. आप लोगों को पता चलेगा एंड आई एम श्योर आप लोग मेरे लिए बहुत खुश होंगे. एंड गाइज हम लोग इस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एंड इट इज़ फाइनली हैपनिंग. I can't wait to share it with you guys and I can't wait to go. तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमारा पूरा दिन का क्या शेड्यूल था पहले, जो कि था कि 12:30 मीटिंग थी. 12:30 to 1 हमने सोचा था 1:30 हम मीटिंग करेंगे एक घंटा. उसके बाद मुझे जाना था पैलेडियम मॉल, जो कि काफ़ी दूर है. मतलब ये टाइम पे तो दिन के टाइम में तो ठीक है, पर शाम को टाइम तो मतलब बाप रे, एक बार आई थी 3-3.5 घंटे लग गए थे. उसके बाद डैडी को घर छोड़ना था और उसके बाद मेरा 5:00 का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, जो बांद्रा में जाना था मुझे. बट सिंस यहाँ पे चीज़ें डिले हो गई हैं, तो अभी आई एम वेरी अनश्योर बट आई एम नॉट गोइंग टू कैंसिल माई मॉल का थिंग. आई हैव एक्सटेंडेड द अपॉइंटमेंट टू 6:00, तो वो एक घंटा डिले हुआ है. और अब अगर डैडी को वापस छोड़ने का टाइम नहीं होगा तो मैं डायरेक्टली डैडी को लेके जाऊँगी. बट आई वॉन्ट टू कम्प्लीट एवरी थिंग एज इट इज़. प्लस मम्मी और अयान घर पर नहीं है. अयान का शूट चल रहा है तो वो तो बेचारा सुबह 5 बजे चला जाता है और फिर वो शाम को आता है. अभी मैं एज यूजुअल डैडी की चाय बना रही थी, जो कि उन्होंने ठंडी कर दी, तो अब मैं इसे गर्म करके डैडी. और डैडी का ये है कि डैडी ना ओवन का कुछ भी गर्म नहीं खाते पीते हैं, तो उनको ना गैस पे ही गर्म करके चाहिए. तो मैं उनको चाय देती हूँ गर्म. और हाँ गाइज मुझे पता है लेंसेज पहने हैं तो मुझे किचन में नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं किचन का कुछ स्पेसिफिक काम नहीं कर रही हूँ. बस एक बार मैं डैडी को चाय गर्म करके दे दूँगी. अभी हो गया है ऑलमोस्ट 3:30 और हम फाइनली अब जा रहे हैं. फाइनली गाड़ी मंगवा ली है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ. फर्स्ट चीज़ के लिए तो हो रही हूँ, बट सेकेंड चीज़ के लिए ज़्यादा हो रही हूँ. और मोस्टली तुम अच्छे से तो ले रहे हो ना तो भाई साक्षी कैमरा के पीछे तो पहली बार ब्लॉग शूट कर रही है मेरा,
सभी उसको पता नहीं है कि कैसे लेना है लोग। अच्छे से आ रहा है? आई थिंक अच्छे से आ रहा होगा उसको। मैं अभी अभी सिखा रही हूँ मैं कि कैसे शूट करना है और कैसे लड़कियों जैसी चीज़ें कुछ करनी है, बाल कैसे टॉप करना है, कैसे स्ट्रेट करना है भी उसको सिखाऊंगी मैं, बिकॉज वो टॉम बॉय है। अब मैं हाय ये देखिए, इसलिए से कुछ नहीं पता नेल पेंट कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता। हमेशा छोटे रहते हैं और उसे मेकअप के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। कोई बात नहीं साकी, तुम तो ये लिप ने झटका मारा बट हम नीचे आ गए गाइस। हम लिप से बस जैसे ही नीचे आना स्टार्ट हुआ लिप ने बहुत बुरा झटका लिया और हमें लगा कि हम अटक जाएंगे बट हम नीचे आ गए। आज डैडी मुझे ऑलरेडी एक गिफ्ट दिलाने लेके जा रहे हैं तो और ना और मेरा फोन का जो चार्जर है ना, मेरा या यान के फोन का चार्जर। गाइस अभी क्या होता है, सुबह एक बात हो गई थी गिफ्ट की, लेकिन अभी जाते जाते उन्होंने एक और गिफ्ट बोल दिया तो मैंने कहा वो वाला स्किप कर देते हैं। यारा तो होगा नहीं जो बाद वाला बोला है वो तो हम रिवील नहीं करेंगे। पहले वाला जो उसने बोला था सुबह जो कमिटमेंट हुआ था तो फिर जन्नत उसका क्या वो नहीं डैडी, वो जो पहले वाला था वो तो गिफ्ट है इस चीज का राइट। हाँ और फोन इज अनेसेसिटी अभी मैंने बोला था नो व्हाई कांट इट बी रिवील्ड। मैंने वैसे भी एक मॉडल स्किप किया हुआ है। क्या बोला आपने? नहीं नहीं अभी तो यहाँ पर आए हैं वेस्टर्न, वो उससे मीटिंग है। ये मम्मी को बोल रहे हैं मैंने इनको परेशान किया है। यही है वो आदमी, यही है वो आदमी। आपने बोला मैंने आपको परेशान किया जो है ये पूरा बॉन्डेड स्क्रिप्ट है। फिर भी जब हम एक बार एक सेशन लेंगे आप इसको एक बार यू कैन गो थ्रू इट फॉर एनी डाउट, क्योंकि मेरे पास भी कल ही तो मेरे को था भी पहले आपको talk say something बाकी कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि सारी बातें तो हो चुकी हैं। हां आप बटन फोन स्विच कर सकते हैं। थैंक यू कांग्रेचुलेशंस देयर नाउ एंड मेनी My heart almost sank. I had kept it so tenderly. But bad news is that कभी कभी आया है। जन्नत किधर चलना है? नन्नू। बोलो बेटे। पैलेडियम चलना है। अरे भाई रंजीत वहीं चले चलो मॉल इनको। कौन सा? अरे वही अपना लोअर परेल वाला पैलेडियम मॉल। So guys, we did what we had come to do. इतने साइंस मेरे पता नहीं लास्ट कब किए थे, 40 साइन करे मैंने एंड ये फाइनली आई साइन माय फर्स्ट। आई एम सो सो हैप्पी। नो डबल वैक्सीन गाइस, आई एम सो हैप्पी। और अभी सन की सो रहा है इसलिए वीडियो बना लो। आई फ्लिप्ड। अरे चलो देख लेंगे अगर नहीं guys, so I am in Palladium and here we are, Jimmy too. मुझे 15 दिन पहले एक बैग बहुत पसंद आया था और आज मैं वो लेने आई हूँ and I am so excited, yeah.
बट द थिंग इज दैट हमें आने में जितना टाइम एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा ज़्यादा लगा, प्लस बारिश स्टार्ट हो गई है, तो आई एम श्योर मुझे घर पहुँचने में लग जाएंगे अराउंड डेढ़ से ज़्यादा, आई थिंक 2 to 1.5 hours, लाइक यस। ओ और जो बैग मेरे पास है वो बैग ये रहा। गाइज मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि जो बैग मैं पसंद करके गई थी वो बैग सोल्ड आउट हो गया, दो थे दोनों हो गए। अब उसने ऑर्डर लिया है बट वो मुझे 3 दिन बाद ही पहुँचा सकती है। अब मैं भी कुछ बोलूँ? हाँ, जो ये लेने आई थी जिसके लिए उदास है वो तो घर पे आ जाएगा, लेकिन ये दूसरे शोरूम में आ गई है, कहती है आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैंने तो यही बोला था मुझे फ़ोन भी दिला दीजिए, 13 दिला दीजिए, बट उसमें क्योंकि बैकअप वगैरह लेना है तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इससे रेडी वो आज नहीं करेंगे, वो थक गए हैं, लेकिन कुछ तो लेके जाऊँगी मैं। तो गाइस बैग तो नहीं मिला, वो जैसे ही आएगा मैं उसको ये व्लॉग में डाल दूँगी, लेकिन तो भी मैंने कुछ तो ले लिया। और ये भी बहुत अच्छा है, ये एक बूट है बट इट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी फैंसी एंड वेरी डिफरेंट। और अब तो अक्टूबर आ गया, अब कब तक चलेगी? गाइज घर आ गए, आज का दिन अच्छा था और बेसिकली जिस चीज़ के लिए वहाँ गई थी वो मुझे अनफॉर्चुनेटली आज नहीं मिल पाई, जो कि आएगी 3 दिन के बाद। बट अब मैं घर आई हूँ, मम्मी और अयाना आए हैं सुबह के बाद, और थकान भी हो गई है, और आज बिजली तो अलग लेवल की चमक रही है, मतलब ऐसा लग रहा है फ्लैश लाइट ऑन हो रही है आसमान में, और लिटरली जो प्रॉपर लाइनिंग वगैरह होती है वो कनेक्ट वगैरह होके गाड़ी में बहुत डर लग रहा था। बट एनी वेज आई होप यू गाइज एन्जॉयड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज अ रियली स्पेशल व्लॉग फॉर मी एंड आई लव यू गाइज सो मच, ऑल द बेस्ट टू अस, टेक केयर, बाय।